इंडियन आइडल आई हैव बिन बिफोर एक्चुअली. मैं दिल्ली 6 के वक्त आया था एंड मुझे इंडियन आइडल शो जो है बहुत ही पसंद है, क्योंकि हमें ये देखने के लिए मिलता है कि हमारे देश में टैलेंट एकदम भरा हुआ है, यू नो. एंड इट्स फैंटास्टिक टू कम एंड सी दीज वंडरफुल सिंगर्स एंड देयर टैलेंट एंड देयर वॉइस. और मुझे तो बहुत ही मजा आता है, खास करके अन्नू के साथ. आई थिंक अन्नू इज वेरी एंटरटेनिंग. सब करने लोग के लिए हम प्रोड्यूसर लोग जो आ है, रहे हैं. हाँ जी, इतना खर्च करते हैं फिल्म के ऊपर, तो अवेयरनेस के लिए हमारे जो दर्शक हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि भैया ये हमने एक फिल्म बनाई है और इस डेट को रिलीज होने वाली है, आके देखिएगा. तो अवेयरनेस के लिए तो करना पड़ता है ना. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी. कोई खास परफॉर्मेंस तो थी नहीं, क्योंकि ये शो है उनके लिए, जो गायक हैं उनके लिए है. लेकिन अंत में जाके जब हम निकलने वाले थे, उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट किया कि क्या हम गा सकते हैं. तो मंच पे सारे जितने 10 सिंगर्स हैं वो सब आके हमारे साथ बोल बच्चन का जो टाइटल ट्रैक है वो हमारे साथ गाए, तो बड़ा अच्छा लगा. अभिषेक आप अपने ओह दैट वाज सुपर्ब. आई मीन कैन यू इमेजिन आशा जी के साथ, यू नो, टू जस्ट एक मंच पे आना ही बहुत बड़ी बात है. ये छोड़िए कि उन्होंने मेरे लिए खास गाना गाया, वो भी ग्रेट गैम्बलर से, विच वॉज द सॉन्ग दैट पंचम अंकल एंड माई फादर एक्टेड इन द फिल्म. सो इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट इन माई लाइफ कि आशा आंटी, यू नो, एक्चुअली सैंग फॉर मी. इंस्पिरेशन भी नहीं लिया, वही गाना किया हमने. द म्यूजिक वॉज डन बाई अजय अतुल ऑफ दैट सॉन्ग एंड वी टुक द सेम सॉन्ग. अजय अतुल हैज रिकम्पोज दैट सॉन्ग अगेन एज नेशनल नेशले फॉर बोल बच्चन. मैंने एक गाना गाया था कुछ 5-6 साल पहले, मेरी फिल्म आई थी ब्लफ मास्टर, उसमें राइट हियर राइट नाउ, और उस गाने में सुनिधि ने गाया था मेरे साथ, लेकिन हम कभी लाइव एक साथ गाए नहीं थे. तो अच्छा लग रहा है कि इस मंच पे आके, इंडियन आइडल के मंच पे आके पहली बार हमें ये मौका मिला कि एक साथ गा पाए. And sir, what do